इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लोकल यूनिट है उसका उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसको मैंने ऑलरेडी इधर बुला लिया है, वो शाम तक मेरे पास इधर आ जाएगा, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लेके फिर हम बाकी लोगों की भी स्टेटमेंट लेंगे। मैं मानता हूँ छवि पर ज़रूर असर पड़ा है, लेकिन उसको सुधारना हमारा काम है। मैं आप सभी दरख्वास्त करूँगा कि जब तक इंक्वायरी कम्प्लीट नहीं हो जाती इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मत दें। इंक्वायरी कम्प्लीट होने के बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जो भी गिल्टी है चाहे वो ऑफिसर है चाहे जवान है उसको टेस्ट 3-4 दिन के अंदर ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा। सर, जवान का ये भी आरोप था कि राशन जो है वो भेज दिया जाता है, मेन एलिगेशन वही है, उसके अगेंस्ट ही मेरे को पूरा चेक करना है। बिल्कुल, उसका 31 जनवरी से प्री मेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अभी वो इंक्वायरी के बाद ही देखा जाएगा कि वो उसके ऊपर उसको वीडियो को मैंने भी देखा है, उसमें सिर्फ एक ही पतीला दिखा रहा है, बाकी के पतीले नहीं दिखा रहा है। तो मेरे इधर 2 कुक हाउस इधर भी चल रहे हैं, आप कोई भी जाके किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, आप खाने का कुछ स्टैंडर्ड दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बर्फीले इलाके में बनाने में दिक्कत ज़रूर होती है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब पहले का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसकी ऑलरेडी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें AWL, इंटॉक्सिकेशन, सुपीरियर पर हाथ उठाना, सुपीरियर ऑफिसर पर हाथ उठाना, धक्का मुक्की करना, ये सब इसके अगेंस्ट है। इसकी वजह से इसका 2010 में कोर्ट मार्शल भी हुआ था, लेकिन फिर कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर इसको बहाल कर लिया गया था। अगर इतनी बैड एंट्रीज के साथ भी हम लीनियंट रहते हैं तो फिर वो बाद में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। सदन के बाहर गुज्जर समुदाय के लोगों ने सचिवालय के नजदीक सड़क पर यातायात ठप कर कठुआ प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सचिवालय जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। आपको बता दें कि प्रदर्शन के चलते काफी समय तक यातायात प्रभावित भी रहा। गौरतलब है कि हीरानगर के गांव हरियाणा याचक में 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। नजाकत खटाना गुजर बुकरा यूथ देश पार्टी से बोल रहा हूँ, जो कठुआ के अंदर कल हुआ तशद्दुद से हुआ है, लेकिन भाईचारा हमारे को रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो BJP है वो हमारे भाईचारा को खत्म करना चाहती है, लेकिन डोगरे और हम एक है, जम्मू का हिंदू हम एक है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है लाल सिंह के जाने पर कल SSP ने जो अनंतोन गोली चलाई कठुए के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। गोली चलानी है, बॉर्डर पार चलाओ, बॉर्डर पर चलाओ, दुश्मन मुल्क के साथ चलाओ, लेकिन गुजर पर गोली मत चलाओ। हमारे ऐसे लोग शिकार हुए जो पुलिस की वजह से जो आज सुबह हमारे साथ हुआ है, जो हमारी माँ बहन दूध देती है उनके साथ हुआ है, और बहुत बुरा हुआ है, और लड़की हुआ, और हमारा लड़का रास्ते है जो पुल्ले चलाए, गाज चलाया, वहाँ मुकान चलाया, जो रास्ते जख्मी कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए, SSP को हटाया जाए, DC को हटाया जाए, तब हमारी मांग पूरी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है, आज सुबह 8:30 बजे जम्मू दूध लेके आते हैं, मीरा बख्श की बेटी गोल खा और उसके साथ एक आदमी RSS का जिसका नाम सन्नी है, मोथाचा गांव में वो सीन हुआ जो इंडिया के यूपी में कहीं कहीं होता है, जो शामली में हुआ वो हुआ। हम मैं कहता हूँ कि सरकार है भी है नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ गुजर हो कोई और हो, लेकिन जो ये जो कम्युनल राइट्स फैलाने की कोशिश कर रहे चंद लोग सरकार में बैठे हुए हैं ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो हमारा हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। BJP ने जो पूरे हिंदुस्तान में किया वो कठुआ से शुरू कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री है SSP है। मैं कहना चाहता हूँ कल SSP परिहार वहां थे, उन्होंने 100 आदमी पर गोली चलाई, 20,000 पर गोली नहीं चलाई, क्या बात हुई, 10 लोग जख्मी हैं, अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सके, क्या यही हिंदुस्तान है, क्या यही सबका हिंदुस्तान है? मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मैं मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर और कोई होता 10 मीडिया वाले होते। अब मुबारकबाद है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीते दिनों बठिंडा के मोड़ इलाके में अकाली दल द्वारा मेन दफ्तर का उद्घाटन किया गया, जहां उद्घाटन करने अकाली दल के मोड़ मंडी हल्के से उम्मीदवार जनमेजा सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि वहीं चुनाव मैनिफेस्टो के बारे में बताते हुए कहा कि 17 तारीख तक मैनिफेस्टो तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें पंजाब के विकास की मुख्य चीज़ों को शामिल किया गया है। आज मौड़ हलके दे मेन दफ्तर का उद्घाटन किया। मैं मौड़ हलके दे सारे ही वोटर्स का धन्यवादी हाँ कि सिर्फ उन्होंने दफ्तर खोलन वास्ते ही बुलाया गया सी, और जिन्नी वड्डी तादाद दे विच
लोग आपके साधना से पहुंचे है। ये ऐ लगता है कि जिमें कानफ्रेंस हो साबित करता है कि किन्ना लोगों के जोश है और किस तरह लोग आने वाले समय से लोगों ने इस हल्के बहुत वड्डी लीड ना श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी के कैंडीडेट नूं जिताउणा है। देखो साडा मेन मुद्दा पंजाब दे विच शांति सद्भावना का माहौल बनाउणा और विकास का एजेंडा है। असीं पहलां भी विकास कीता है और आने वाले सालों च भी जिहड़ा बाकी रहिंदा है वह असीं करना है और हर हालत च हर धर्म का सत्कार करते हुए असीं जिहड़ा पंजाब च सुख शांति ते सद्भावना का माहौल बनाउणा है, साडा सब तो वड्डा एजेंडा। फिलहाल एटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में अब तक इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एटीवी न्यूज़। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। वो माँ ही है जो आपको जिंदगी देती है, वो बेटी ही है जो मां बनती है। अगर बेटी है तो मां है, मां है तभी आप हैं, हम हैं और हमारा समाज है। बेटी